हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। इसका नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स विभाज्यता, कि कोई भी नंबर किसी नंबर से कटेगा या फिर डिविजिबल होगा तो वो आपको कैसे, आप उस नंबर को केवल देख के आप पहचान सकते हो कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा, इस नंबर से नहीं डिविजिबल होगा। तो सेम जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये वीडियो आपकी, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 6 में हो, 7 में हो, 9 में हो, 10 में हो, तो ये आपको लिए भी हेल्पफुल है। इसको जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी देख, और इन ग्रेड्स के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और इसके बहुत सारे छोटे से छोटा एग्जाम भी अगर होता है तो MTS लेवल का हो गया आपका, और भी ग्रुप डी के एग्जाम है, ग्रुप सी के एग्जाम है, तो उनमें इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आए, हो ही नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट सिंपली मीन्स दैट बाई विच नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 21, तो 21 जो नंबर है वो आपका किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, 1 से डिविजिबल होगा, तो 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल होगा क्या? 2 से नहीं डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा क्या? 3 से डिविजिबल होगा। 4 से होगा क्या? 4 से नहीं होगा। 5 से होगा क्या? 5 से भी नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा। 7 से होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने जैसे ये नंबर दे दिया और इसमें पूछा कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम इसमें अगर डिवाइड करके देखने लग गए तो काफी हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम छोटे छोटे मेथड सीखते हैं, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके, और उसको हम और क्वेश्चंस हैं जिनमें वास्तव में जिनमें टाइम की जरूरत है उनमें उसको यूटिलाइज कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, कि कोई भी नंबर आपका, और इससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको 2 की डिविजिबिलिटी पता है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिविजिबिलिटी, हिंदी वाले लिखेंगे, 2 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको मैं सिंपली शॉर्टकट से बताऊंगा, ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेटर है। तो डिविजिबिलिटी बाई 2, आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो या फिर ये आइडेंटिफाई करना हो कि कोई भी नंबर इवन है और ऑड है, तो उसका सिंपल सा मेथड है। आप क्या करो, सिंपली उसका यूनिट डिजिट चेक कर लो नंबर का। क्या करो? यूनिट डिजिट चेक कर लो, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का, यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इनमें से उस नंबर का यूनिट डिजिट है, जैसे कोई भी नंबर मैंने आपको लिख के दे दिया बड़ा सा, 2 4 3 7 9 6 1 5, अब इस नंबर को आपको चेक करना है कि ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इस नंबर को नहीं देखोगे या फिर 2 से डिवाइड करके नहीं देखोगे, सिंपली आप देखोगे क्या ये नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है या फिर इनमें से है, 0 2 4 6 8 में से है। तो नहीं है तो सिंपली ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और कोई मैंने नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 6 5 3 6 9 2 5 6, तो ऐसा नंबर आ गया आपके सामने, या कोई सिंपल सा नंबर आ गया 2 3 5 1 0, तो ये नंबर आ गया आपके सामने। तो आपको चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आपको तुरंत देख के आप बता सकते हो इसका 6 है यूनिट डिजिट, 2 से कटता है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। ये नंबर 0 है यूनिट डिजिट, ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो आप देख के पता कर सकते हो ये नंबर ऑड है या इवन है, या फिर ये नंबर 2 से, जो नंबर 2 से कटते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, वो इवन होते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा। तो ये नंबर आपका ऑड हो जाएगा, ये नंबर इवन हो जाएगा, ये नंबर इवन हो जाएगा, और ये दोनों नंबर क्यों इवन होंगे, क्योंकि बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड देयर यूनिट डिजिट आर 6 एंड 0 रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, तो ये आपकी हो गई टू से डिविजिबिलिटी। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे टू से डिविजिबिलिटी चेक करी, ऐसे ही हम फोर से देख लेते हैं डिविजिबिलिटी। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा ये, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक एक चीज देखनी पड़ेगी। जब ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपका समझ में आएगा, SCF, LCM और भी बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स का यूज होता है, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, वहाँ पे आप सिंपली देख के आंसर टिक कर सकते हो डिविजिबिलिटी चेक करके, डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी नंबर की। तो जैसे हमने 2 के केस में क्या किया था, हमने यूनिट डिजिट देखा था, 4 के केस में हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स, जो संख्या जो भी नंबर है आपका उसके लास्ट 2 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड में ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर हमको 0 प्राप्त होता है, अगर हम 0 मिलता है, अगर हम हमें लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके, तो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे देख लेते हैं इसके भी एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 27948 कॉमा 35217 43219508। ये नंबर से इनमें हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा और कौन सा आपका 2 से डिविजिबल, सॉरी 4 से डिविजिबल होगा, कौन सा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिंपली आप देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट ये 48, 48 को 4 से डिवाइड किया तो 41 जा 4 हो गया, 42 जा 8 हो गया, पूरा कट गया, यानी कि ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा, सिंपली देख के पता लगा लिया। इसमें आपका ये नंबर देख लेते हैं 35217, तो इसमें भी ऐसा नहीं है आप 4 से डिवाइड करके चेक करोगे, इसके क्या करो लास्ट 2 डिजिट यानी कि 17 चेक कर लिया मैंने, तो 17 मैंने 4 जा 16 हो गया, तो 1 कैरी बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए जो आपका नंबर है वो आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको चेक करना है तो सिंपली क्या देखो, इसके लास्ट 2 डिजिट देख लो। अब तो आपको मेथड पता चल गया तो आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जगह आपका अप्लाई होगा ये मेथड। आगे मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे इस मेथड को अप्लाई करना है। 21 हो गया तो 21 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 5 20 होता है। 08 आ रहा है तो 08 यानी कि 8 तो कटता है ना, 4 से डिवाइड होता है यानी कि ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी 8 से डिविजिबिलिटी। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी का मेथड देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स, जो नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं उसको डिवाइड करेंगे 8 से। अगर 0 आ रहा है, अगर आपका 0 आ जा रहा है तो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट चेक करने के, केवल पूरा नंबर चेक नहीं करना। जैसे मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, 612080 927358 470831 1008512। ये नंबर्स ले लिए मैंने तो इनको चेक करना है मुझे डिविजिबल हैं कि नहीं 8 से। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं पूरा नंबर डिवाइड नहीं करूंगा, मैं केवल लास्ट के 3 डिजिट देखूंगा। लास्ट के 3 डिजिट में देखा मैंने ये तो 8 से डिविजिबल है, यानी 80 तो डिविजिबल से 8 से कटेगा ना, तो 80 कटेगा यानी ये नंबर 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखा मैंने 358, 8 से डिवाइड किया जल्दी से, 8 जा 84 जा 32 होता है, 3 बच 3 रिमाइंडर बचा 38 हो गया, तो 84 जा 32 6 बच गया, तो यानी कि ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो देख के ही पता लगा सकते हो आप, 831 को चेक करेंगे तो 81 जा 8 हो गया, 31 तो नहीं कटेगा 8 से, 84 जा 32 होता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। 512 को चेक कर लेंगे तो ये आपका हो गया 8 से जा 48 हो गया, 3 बचा 32 हो गया, 84 जा 32 तो ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डिविजिबिलिटी वाई 16, 16 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। डिविजिबिलिटी
बाई 16। 16 के लिए भी सेम मेथड है आपका बिल्कुल। 16 के केस में हम क्या करेंगे, लास्ट फोर डिजिट चेक कर लेंगे। लास्ट फोर डिजिट अगर आपके 16 से डिवाइड करने पे अगर जीरो आ जा रहा है, यानी पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका जो नंबर है वो 16 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया इसका भी, 2435 0680, 1239740969 6500080। तो ये आपके मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, तो एक एक करके इनको चेक करते हैं 16 से कैंसिल होगा कि नहीं। तो इसमें देखेंगे, इसमें इनको देखना फोर डिजिट से ही है, तो 16 से 6 में तो जाए, 6 में तो जाएगा नहीं, तो 68 में लेंगे, तो 16 फोर जा आपका हो गया 64, फोर बचा 40 हो गया, 40 में जाएगा नहीं क्योंकि 16 टू जा 32 होता है, 8 के रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं 4096, तो 16 टू जा 32, 8 बचा 89 हो गया, 89 65 जा 90 हो गया, 80 हो गया, 9 बचा 96 हो गया, तो 16 6 जा 96, यानी कि ये नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा 16 से। इसको चेक कर लेते हैं, इसमें फोर डिजिट ये रहे आपके, केवल फोर डिजिट को पकड़ना है, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। तो 16 5 जा 80 होता है, तो सीधा सीधा कट गया, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो सिंपली हमने एक अप्रोच डेवलप कर ली इसके लिए कि अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 से हो चाहे 4 से हो चाहे 8 से हो चाहे 16 से हो चाहे 32 से हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सॉर्ट मेथड। हम देखेंगे अगर वो नंबर 2 की पावर में है तो उतनी ही उसके डिजिट देख लेंगे। जैसे अगर मुझे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, तो 2 की 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यानी कि मुझे कितने डिजिट चेक करने हैं, एक डिजिट चेक करना था जितनी 2 की पावर होगी। अगर मुझे 4 की देखें, तो 4 में 2 की पावर कितनी बनेगी 2, यानी कि आपको दो डिजिट चेक करने हैं लास्ट के। 8 की बात करें तो 8 कितना होता है 2 की पावर क्यूब, तो यानी कि क्यूब यानी कि तीन डिजिट चेक करने थे मुझे। अगर 2 की पावर 4 देखूं मैं, ये कितना होता है 16, तो 16 में कितने चेक करने थे 4, 4 चेक करने थे। 2 की पावर 5 आपका होता है 32, तो 5, 32 से अगर डिजिबिलिटी चेक करनी है तो कितने डिजिट चेक करोगे लास्ट के, 5 डिजिट चेक करोगे। 2 की पावर 6 कितना होता है आपका, होता है 64, 64 के केस में आप कितने डिजिट चेक करोगे 6 डिजिट चेक करोगे, कितने डिजिट चेक करोगे 6। तो ऐसे ही आप डिजिबिलिटी निकाल सकते हो। आगे देखेंगे आप 3 से कैसे डिजिबिलिटी चेक करते हैं, 9 से कैसे करते हैं।